पेरेंट्स, कई बार एसिडिटी होने की वजह से हमारा पेट बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है और उस दर्द का उपचार करने के लिए हम कई सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी वो दर्द ठीक नहीं हो पाता है। इसीलिए जरूरी है सही उपचार को यूज करना। कि एसिडिटी होने पर किस उपचार को करने से आप पेट में होने वाले दर्द से निजात पा सकते हैं। टिप नंबर 1 है ठंडा दूध। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही है जिसकी वजह से आपका पेट बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, तो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा दूध आपके लिए बहुत लाभकारी है। फ्रिज से ठंडा दूध निकालिए और उसे पी जाइए। ऐसा करने से पेट में बन रही एसिडिटी ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ पेट में हो रहा दर्द भी शांत हो जाएगा। टिप नंबर 2 है छाछ या फिर मट्ठा। अगर आपके पेट में एसिडिटी है जिसकी वजह से आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप छाछ के अंदर नमक और काली मिर्च मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से एसिडिटी और दर्द दोनों से आपको राहत मिल जाएगी। टिप नंबर 3 है ग्रीन टी। चाय पीने की जगह पर ग्रीन टी का सेवन करना बहुत ही उचित माना जाता है एसिडिटी और उससे होने वाले दर्द की संभावना में, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे शरीर के इन्फेक्शन और एसिडिटी को कम करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। इसीलिए अगर आपके पेट में एसिडिटी और पेट दर्द है तो आपको ग्रीन टी का सेवन जरूर करना चाहिए। टिप नंबर 4 है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही है तो आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं। एक ग्लास ठंडे पानी के अंदर एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कीजिए और उसे धीरे धीरे करके पीजिए। ऐसा करने से आपको एसिडिटी और पेट में होने वाले दर्द से राहत मिलेगी। नंबर 5 है चावल का पानी। यदि आप चावल को खुले बर्तन में पकाते हैं तो उसके बचे हुए पानी को फेंके नहीं, वो पानी आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। चावल के पानी के अंदर नींबू निचोड़कर उसका सेवन करने से भी आप एसिडिटी और पेट में होने वाले दर्द से निजात पा सकते हैं। टिप नंबर 6 है नींबू पानी। रोज सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन करने से आपको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं सताएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे घरेलू उपचार जिनको यूज करना आपके लिए है बहुत ही जरूरी अगर आपको एसिडिटी और उसमें होने वाला पेट दर्द बहुत ही ज्यादा सताता है। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए।